गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटी ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ और आप लोग के सामने ही है। बात ऐसा है कि सडनली प्रोग्राम बन गया देवघर जाने का, एक फ्रेंड की शादी है, जाने का तो मूड नहीं था बट इरशाद ने जिद किया चलने को, तो जा रहा हूँ बैठे बैठे, इसलिए इंट्रो लेने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए इंट्रो में गाड़ी में बैठ कर ही ले रहा हूँ। देखिए जा रहा हूँ, सडनली प्रोग्राम बना तो देखता हूँ क्या कैसा मज़ा आता है, नहीं मज़ा आता तो सोचा मैं ब्लॉग शूट कर लूँ अपने चैनल के लिए। मैं प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन मैं कहीं भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं वीडियो कैप्चर कर लूँ, ब्लॉग शूट कर लूँ। और चलिए देखता हूँ देवघर चलने चलने टाइम कैसा रास्ता है, कैसा व्यू है, वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें एंड तक, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पानी प्यास लग गया बहुत जोर से, धनबाद से अप्रोक्स 10-12 किलोमीटर से भी चला हूँ और बहुत गंदा वाला प्यास लगा है। तो इरशाद को बोला मैंने भी गाड़ी रोकने के लिए, इरशाद भी देख ही रहा है कि कहाँ गाड़ी रोका जाए जहाँ पानी मिल सके और चाय भी पी लेता हूँ, सर भी हल्का हल्का दर्द कर रहा है। इरशाद भाई आपको पीना है पानी? पानी तो पीना है। प्यास लगी है? लगी है। तो फिर गाड़ी क्यों नहीं रुकवा रहे आप? गाड़ी आगे रुकेगी जहाँ पे अच्छा वाला चाय मिला। देखो लग रहा है कि वहाँ पर आया ना, वहाँ रखो। हाँ यही साइड करके रुकवा दे भाई, पानी वहाँ मिल जाएगा। तो मैं पानी लेकर मैं आता हूँ, आप लोग मैं इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि बहुत गंदा वाला प्यास लगा हुआ है। मैं आ रहा हूँ पानी लेकर, बहुत प्यास लगी हुई है। तो गैस मैंने पानी और लेज ले लिया, अगर भूख लगे तो भी मैं रास्ता में खाऊंगा। और अब चलते हैं देवघर क्योंकि लेट हो रही है, हम लोग शादी में जा रहे हैं। पानी आ गया और मैं पानी पी रहा हूँ, गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही है इसलिए ठंडा पानी मैंने लिया है। और बहुत प्यास लगा था, झारखंड में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, झारखंड के जहाँ मैं रहता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। पता नहीं किसी ने शायद याद किया। अभी तो फिर भी ट्रैफिक नहीं मिली, देखता हूँ अगर ट्रैफिक ऐसे नहीं। मैं आप लोगों को ये व्यू दिखाता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिखे कि नहीं दिखेगा, मैं फिर भी आपको बैक कैमरा करके मैं दिखाता हूँ।
लेने गया था तो मैंने वहाँ से चिप्स भी लिया था। चिप्स का ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, पता नहीं आप लोग अच्छा कौन सा लगता है वो मेरे को ज़रूर बताएं। अगर आप लोग भी खाना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, बट अभी तो करेंटली ज्वाइन नहीं कर सकते। आप लोगों को कैमरे पे खिला सकता हूँ, लीजिए। व्यू इतना अच्छा व्यू है कि आप लोग क्या बताऊं मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूं क्योंकि एक भैया का कॉल आ रहा है, तो बात करके मैं वीडियो को कंटिन्यू रखता हूं। मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। क्या चाहिए? दोनों मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। खाएगा? चार्ज कर रहे हैं। डेटा केबल चाहिए? शाद भाई का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, वो उन्होंने मांगा है अभी डाटा के पास मोबाइल चार्ज करने के लिए, दे देता हूँ बच्चा समझ कर। थोड़ा सा थक गया था गाड़ी में बैठे बैठे, तो थोड़ा सा बदन पेन कर रहा था, तो सोचा बाहर थोड़ा सा साइड करके गाड़ी को खड़ा होने बदन दर्द हो जाए। ड्राइवर और मैं बाहर निकला हूँ, इरशाद भाई अंदर ही बात कर रहे हैं, पता नहीं किससे बहुत देर से बात कर ही रहे हैं, पता नहीं आ गया। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रोड है, काफ़ी अच्छा रोड है, इसे ख़राब नहीं बोल सकते, अच्छा ही है। और इधर अभी हम लोगों को जाना है, देवघर इधर पीछे है और इधर से अभी हम लोग धनबाद की ओर से आ रहे हैं, तो अभी देखता और कितना टाइम लगता है मेरे को। अभी 30-35 किलोमीटर अप्रॉक्स अभी हम लोग चल चुके हैं, टोटल किलोमीटर धनबाद टू देवघर 125 किलोमीटर्स पड़ता है, देखिए कितना टाइम लगता है। मे भी 7 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, देखिए क्या होता है कितने बजे तक मैं पहुंचता हूं। हम लोग आधे रास्ते पहुंचे हैं और गाड़ी में पेट्रोल इंडिकेट करने लगा कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पर रुके हैं और गाड़ी में अभी तेल भरा रहे हैं। तो अभी हमारे पीछे आपको पेट्रोल पंप दिखेंगे और वो ये रहा हमारा पीछे गाड़ी जिसमें तेल भरा रहा है, तो गाड़ी में बहुत जोर भी आ रहा था, अच्छा हुआ हम लोग यहाँ रुक गए हैं और उस पर थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर ले रहे हैं, बहुत जोर से ही नहीं ला रहा था। ये यहाँ से अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर से यहाँ बाकी है देवघर पहुँचने में, और हमको लगता है कि अंधेरा हो ही जाएगा देवघर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को, तो मैं पहुँचने के बाद फ्रेश होऊंगा यार, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। लगता है वो गाड़ी में पेट्रोल भरा गया, तो अब यहाँ से हम लोगों को निकलना चाहिए। हो गया भैया? हो गया चांद? तो अब हम लोग गाड़ी में फिर से बैठ रहे हैं, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए देवघर का ये एम्स है, जो पहले ये धनबाद में बनने वाला था बट ये ट्रांसफर होकर के ये देवघर हो गया। वहाँ ये शायद दिखता होगा आप लोगों के लिए, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये काफ़ी बड़ा है ये।